Welcome dear student, in this video lecture we discuss about the water vascular system in esterases. The water vascular system is also known as ambulacral system. The water vascular system is a modified part of xylem and it consists a system of seawater filled canals having certain coastals. जो हमारा water vascular system है ये modified xylem होता है और ये कंसिस्ट रखता है इसके अंदर सी वाटर एंड कंटेन्स सर्टेन्स कोप सेल्स सेल्स आर प्रजेंट. द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इट्स प्ले विटल रोल इन लोकोमोशन. ठीक है, जो फंक्शन होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का वो लोकोमोशंस के अंदर रोल प्ले करता है. एंड द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट मेड्रोपराइट स्टोन कैनाल्स रिंग कैनाल रेडियल कैनाल टाइड्समैन बॉडी लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फिट. ठीक है, ये सब पार्ट प्रेजेंट होते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर जो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे. तो जो फर्स्ट पार्ट होता है जो कंसिस्ट रखता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम मेड्रोपराइट. मेड्रोपराइट्स इज ए राउंडेड कैल्सरस प्लेट अकरिंग ऑन द अबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क इन द इंटर रेडियल पोजिशन. ठीक है, हमने पहले पढ़ा था जो मेड्रोपराइट है एक राउंडेड कैल्सरस प्लेट प्रेजेंट होती है. दो जो हमारी आर्म होती है उसके बेस पे इंटर रेडियल जो पोजीशंस होती है वहाँ पे एक डिस्क प्रेजेंट होती है राउंडेड, उसको हम क्या कहते हैं मेड्रोपोराइट. इट सरफेस बियर्स ए न्यूमरस रेडिएटिंग नैरो स्ट्रेट और वेवी ग्रूव्स और फ्यूरो. ठीक है, इसका जो सरफेस होता है जैसे हम सरफेस की बात करें स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसका जो अपर पार्ट होता है इसके सरफेस पे क्या होता है बहुत सारी रेडिएटेड नैरो ग्रूव्स प्रेजेंट होते हैं फनल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, और ईच फ्यूरो कंटेन्स माइन्यूट पोर्स एट द बॉटम एंड ईच पोर्स लीड्स इनटू ए वेरी शॉर्ट फाइन ट्यूबुलर पोर कैनाल्स. ठीक है, और ये हमारे जो पोर्स है नीचे लीड्स होते हैं पोर कैनाल्स के अंदर. मान लो बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट है इसके सरफेस पे और सभी पोर्स क्या कर रहे हैं पोर कैनाल के अंदर क्या हो रहे हैं लिब्रेट हो रहे हैं ओपन हो रहे हैं. ठीक है, द पोर मे बी 200 पोर कैनाल्स आर प्रेजेंट. द पोर कैनाल्स यूनाइट टू फॉर्म ए कोलेक्टिव कैनाल्स विच ओपन इनटू ए एम्पुला बीनेथ द मेड्रोपोराइट. ठीक है, जो हमारी ये पोर कैनाल्स है ये ओपन होती है नीचे कोलेक्टिव डक्ट्स के अंदर और ये कोलेक्टिव डक्ट्स ओपन होता है मेड्रोपोराइट के नीचे एम्पुला के अंदर और ये एम्पुला लीड्स होता है लास्ट में स्टोन कैनाल के अंदर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम दिस इज द डायग्राम ऑफ द मेड्रोपोराइट. ठीक है, द मेड्रोपोराइट सरफेस कंटेन्स माइन्यूट पोर डिफरेंट माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं मे बी 2000 माइन्यूट पोर्स आर प्रेजेंट. दीज माइन्यूट पोर आर ओपन इन टू ए पोर कैनाल्स एंड दीज पोर कैनाल्स लीड्स टू ओपन इन ए कोलेक्टिव कैनाल्स एंड द कोलेक्टिव कैनाल्स ओपन इन टू द एम्पुला और दीज एम्पुला लीड्स इन टू द स्टोन कैनाल. ठीक है, एंड दी मेड्रोपोराइट्स पोर एंड पोर कैनाल्स कंसिस्ट सीलिया दीज सीलिया वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस ए वाटर फ्लो देन वाटर करंट वाटर फ्लो इन टू द मेड्रोपोराइट टू पोर कैनाल देन कोलेक्टिंग डक्ट एंड देन एम्पुला एंड देन स्टोन कैनाल. ठीक है, तो मेड्रोपोराइट कंसिस्ट रखता है सीलिया. ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रक्चर थी मेड्रोपोराइट्स के अंदर. तो मेड्रोपोराइट्स का जो सरफेस होता है ठीक है उसके ऊपर पोर प्रेजेंट होता है ये पोर्स ओपन हो रहे हैं किसके अंदर कैनाल्स के अंदर और दीज पोर कैनाल्स यूनाइट टू फॉर्म ए कोलेक्टिव कैनाल एंड दीज कोलेक्टिव कैनाल्स ओपन इनटू मेड्रोपोराइट्स बिलो दी मेड्रोपोराइट्स एम्पुला के अंदर ओपन हो रहा है और ये एम्पुला आगे जाके ओपन हो रहा है किसमें स्टोन कैनाल के अंदर. ठीक है, जो नेक्स्ट पार्ट है वाटर वेस्कुलर सिस्टम का वो हमारा स्टोन कैनाल. दी एम्पुला ओपन इन टू ए एस सेप्स कैनाल. ठीक है, जो हमारा स्टोन कैनाल होती है एस सेप्स की होती है जो हमारा जो एम्पुला है वो ओपन हो रहा है किसके अंदर स्टोन कैनाल के अंदर. दी स्टोन कैनाल एग्जिबिट डाउनवर्ड एंड ओपन इन टू ए रिंग कैनाल. ठीक है, जो हमारी एस सेप जो हमारी कैनाल है ये हमारी जो स्टोन कैनाल है ये हमारी डाउनवर्ड मूवमेंट करती है और ओपन होती है किसके अंदर हमारी रेडियल जो हमारी रिंग कैनाल है उसके अंदर. ठीक है, द वॉल्स ऑफ द स्टोन कैनाल इज सपोर्टेड बाई ए सीरीज ऑफ कैल्सरस रिंग. ठीक है, इसकी जो इनर वॉल होती है वो सपोर्टेड होती है जो हमारी कैल्सरस रिंग से सपोर्ट होती है. द ल्यूमन ऑफ द स्टोन इज लाइंड बाई वेरी टाल फ्लैजिलेटेड सेल्स. ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी टाल
फ्लैजिलेटेड सेल्स प्रजेंट होती है, जो क्या करती है वाटर को मूव करने में हेल्प कराती है, ठीक है, मूवमेंट करके, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा मेड्रोपराइट, देन सेकंड पार्ट है वो हमारा कौन सा है, स्टोन कैनाल्स, ठीक है। नाउ दी स्टोन कैनाल्स ओपन इनटू ए रिंग कैनाल, इट इज़ ए वाइड पेंटागोनल रिंग लाइक वेसल्स लाइंग अराउंड द माउथ, ठीक है। जो हमारा माउथ है, ठीक है, हमारा जो माउथ था वो कैसा था, हमारा पेंटागोनल माउथ प्रजेंट था। तो इस माउथ के पेरिफ्री के ऊपर, ठीक है, एक वाइड पेंटागोनल रिंग प्रजेंट होती है, जैसे मैं रंग कलर चेंज करके बनाता हूँ, ठीक है, पेंटागोनल रिंग प्रजेंट होती है, ठीक है। इस पेंटागोनल रिंग को हम क्या कह रहे हैं, रिंग कैनाल, ठीक है। ये वाली जो बीच में जो ये वाली जो कैनाल की फॉर्मेशंस हुई है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रिंग कैनाल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा मेड्रोपराइट, देन मेड्रोपराइट के बाद स्टोन कैनाल एंड देन रिंग कैनाल, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखते हैं, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा मेड्रोपराइट, ठीक है। मेड्रोपराइट्स कंटेन डिफरेंट पोर्स, दीज पोर्स आर ओपन इन टू दी पोर कैनाल्स एंड देन पोर कैनाल्स ओपन इन टू दी एम्पुला पार्ट एंड दीन एम्पुला ओपन्स इन टू दी स्टोन कैनाल, दीज स्टोन कैनाल्स ओपन इन टू दी पेंटागोनल रिंग कैनाल, ठीक है। वो हमारी जो स्टोन कैनाल है वो ओपन हो रहा है, जो हमारा सबसे पहले वाटर मेड्रोपराइट से कहाँ पे एंटर करेगा, हमारा स्टोन कैनाल के अंदर, एंड देन स्टोन कैनाल्स ओपन हो रही है पेंटागोनल रिंग कैनाल के अंदर, ठीक है। जो हमारी पेंटागोनल रिंग कैनाल के अंदर वाटर जाएगा, जो हमारी पेंटागोनल रिंग कैनाल है ये कंटेन रखती है डिफरेंट, इसके सरफेस के ऊपर इनर सरफेस पे बॉडीज प्रजेंट होती है, इरेगुलर स्ट्रक्चर्स प्रजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं टाइड्समान्स बॉडी, ठीक है। और इनका फंक्शन क्या होता है, ये फैगोसाइटोसिस होती है, वाटर के साथ कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स एंटर कर गया तो उनको ईट करने का काम कौन करेगा, टाइड्समान बॉडी, इनको हम रेसिमोज भी कहते हैं, ठीक है। देन वाटर हमारा मेड्रोपराइट से स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल से हमारा पेंटागोनल रिंग, जो हमारी रिंग कैनाल है उसमें, देन रिंग कैनाल, ईच जो रिंग कैनाल है ईच आर्म के अंदर क्या होगी, ये मूव होगी, एक कैनाल्स के अंदर क्या होगी, चेंज होगी, और उस कैनाल को हम क्या कह रहे हैं, रेडियल कैनाल, ठीक है। जो हमारी ये पांच रेडियल कैनाल के अंदर क्या होगा, जो हमारी रिंग कैनाल है वो चेंज होगी किसके अंदर, रेडियल कैनाल्स के अंदर, एंड ईच रेडियल कैनाल देन डिवाइडेड इंटू टू फ्यूरो, टू ब्रांच के अंदर चेंज होगी, जिनको हम क्या कह रहे हैं, लेटरल ब्रांच, ठीक है। जो हमारे रेडियल कनाल के अंदर ये साइड वाली जो ब्रांच निकल रही है, ठीक है, जैसे कलर चेंज करके, ठीक है, ये वाली जो जो हमारी वेसल्स है, इन वेसल्स को कैनाल को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल कैनाल, दीज लेटरल कैनाल देन ओपन इंटू दी लास्ट पार्ट ऑफ दी वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ट्यू फीट, ठीक है, ट्यू फीट के अंदर ओपन होगी, और जो ट्यू फीट है ये कंटेन रखता है तीन पार्ट, एम्प्यूला, पोडियम एंड सकर, ठीक है। तो अगर हम रूट देखें वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर, तो जो वाटर है हमारा वो एंटर होता है मेड्रोपराइट्स के हेल्प से, दीज मेड्रोपराइट्स कंटेन सीलिया, दे आर वाइब्रेटिंग एंड प्रोड्यूस ए वाटर करंट, ड्यू टू वाटर करंट द वाटर एंटर इन टू द मेड्रोपराइट्स विद द हेल्प ऑफ देयर पोर्स एंड दीज पोर्स ओपन्स इन टू पोर कैनाल्स एंड दीज पोर कैनाल्स यूनाइट टू फॉर्म ए कलेक्टिव डक्ट, दीज कलेक्टिव डक्ट्स ओपन इन टू दी एम्पुला प्रजेंट बीनेथ दी मेड्रोपराइट्स, देन दी एम्पुला ओपन्स इन टू दी स्टोन कैनाल, देन वाटर मूव इन टू दी पेंटागोनल रिंग कैनाल, देन ईच पेंटागोनल रिंग कैनाल इज डिवाइडेड इन टू ए रेडियल ट्यूब एंड दीज रेडियल ट्यूब्स डिवाइडेड इन टू ए मैनी लेटरल कैनाल एंड दीन लेटरल कैनाल्स कंटेन ए ट्यूब फिट and these two feet contain three parts ampulla podium and scar and the region where the two feet and lateral canal are joined their joint are present some valve are present then these valves help to prevent backflow of water from lateral canals to ट्यू फिट, ठीक है, ट्यू फिट से वापस वाटर लेटरल कैनाल के अंदर ना आए, तो यहाँ पे क्या होते हैं, वाल प्रजेंट होते हैं इन दोनों के जॉइंट के पास, ठीक है। तो ये हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है एस्ट्रेसिस के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, वो हमारा टाइट्समान बॉडी, इनको हम क्या कह रहे हैं, रेसिमोज भी कह रहे हैं, ठीक है। द रिंग कैनाल्स गिव्स आउट इंटर रेडिएटिंग नाइन स्मॉल येलोइश इरेगुलर और राउंड ग्लैंडुलर बॉडीज आर नोन एज टाइडमेंट्स बॉडी, इट इज ऑल्सो नोन एज रेसिमोज, ठीक है। हमने बताया कि जो हमारी पेंटागोनल रिंग कैनाल है, इसके अंदर क्या होते हैं, नाइन इरेगुलर राउंडेड स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है, येलोइश बॉडी प्रजेंट होती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, टाइड्समैन कह रहे हैं। और इस टाइड्समैन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स आया है, सेल्स आई है, तो उनको किल करने का काम कौन करेगा,
टाइट्समैन बॉडी, ठीक है। और ये जो टाइट्समैन बॉडी है रेस्ट अपॉन दी पोस्ट ओमियल रिंग्स ऑफ दी ओसिकल, ठीक है, जो हमारी पेंटागोनल रिंग से अटैच होते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टोमियल रिंग ऑफ ओसिकल्स, ठीक है। ओसिकल्स के हेल्प से क्या होगी, अटैच होती है हमारी पेंटागोनल रिंग के साथ, ठीक है। देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज पोलियन वेसिकल्स, ठीक है। द रिंग कैनाल्स बियर्स इन द इंटर रेडियल पोजिशन वन और टू और फोर लिटल पियर सेप्ड थिन वाल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लेडर्स और रिजर्वोरियर विद लॉन्ग नेक कॉल्ड पोनल वेसिकल। इसके अलावा जो इसकी रिंग कैनाल होती है उस पर क्या होती है, एक वेसिकल्स प्रजेंट होती है, उन वेसिकल्स को हम उस ब्लैडर लाइक कॉन्ट्रैक्टल थिल वाल लाइक जो शेप्ड की जो बॉडी प्रजेंट होती है उसको हम क्या कह रहे हैं, पोलियन वेसिकल्स। और ये जो हमारी पोलियन वेसिकल्स है ये क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है अमीबोइड सेल्स का एम्बुलेक्टल सिस्टम के लिए, ठीक है। जो हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम है उसके लिए जो अमीबोइड सेल्स का फॉर्मेशन करे, दीज अमीबोइड सेल्स हेल्प इन टू फैगोसाइटोसिस टू फोरिजन सेल्स, ठीक है। तो फैगोसाइटोसिस सेल्स का फॉर्मेशन करेगी हमारी पोलन वेसिकल्स, ठीक है। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज रेडियल कैनाल, ठीक है। जो हमारी रिंग कैनाल है वो ओपन हो रही है रेडियल कैनाल के अंदर, और वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या होती है, फाइव रेडियल कैनाल्स आर प्रेजेंट फ्रॉम द आउटर सरफेस ऑफ द रिंग कैनाल्स गिव्स ऑफ फाइव रेडियल कैनाल्स वन एंटरिंग फ्रॉम द ईच आर्म, ठीक है। जो हमारी रिंग कैनाल थी, ठीक है, वो रिंग कैनाल क्या कर रही है, ओपन हो रही है एक आर्म के अंदर, एक रेडियल कैनाल्स क्या हो रही है, ओपन हो रही है, ठीक है। द रेडियल कैनाल्स रन्स अप टू टिप ऑफ द आर्म एंड एंड्स इन द टर्मिनल टेंटिकल, ठीक है। हमारी जो रेडियल कैनाल्स है वो ओपन हो रही है, जो हमारी आर्म है उसके बिल्कुल एंड तक जा रही है, बिल्कुल जो टिप के ऊपर जो टेंटिकल्स टर्मिनल टेंटिकल्स प्रजेंट होते हैं वहाँ तक रन करती है, ठीक है। और फाइव रेडियल कैनाल्स आर प्रजेंट इन इज वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एंड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज लेटरल कैनाल, द लेटरल कैनाल इज ऑल्सो नोन एज पोडियल कैनाल। इन ईच आर्म द रेडियल कैनाल गिव्स आउट टू सीरीज ऑफ शॉर्ट नैरो ट्रांसवर्स ब्रांच कॉल्ड लेटरल और पोडियल कैनाल, ठीक है। जो हमारी एक आर्म के अंदर जो हमारी रेडियल कैनाल है ये गिव राइज हो रही है, ठीक है, टू सीरीज ऑफ एक बार में क्या होती है, दो सीरीज क्या हो रही है, अराइज हो रही है, ट्रांसवर्स ट्यूब अराइज हो रही है, इन ट्यूब्स को हम क्या कह रहे हैं, लेटरल कैनाल या पोडियल कैनाल, ठीक है। ईच लेटरल कैनाल इज अटैच टू द बेस ऑफ ए ट्यूब फिट, इट इज़ प्रोवाइडेड बाई ए वाल्व टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द फ्लूड इन टू द रेडियल कैनाल, ठीक है। जो हमारी ये हमारी रेडियल कैनाल थी, ये रेडियल कैनाल ओपन हो रही है लेटरल कैनाल के अंदर, और ये लेटरल कैनाल अटैच है हमारी ट्यूब फिट से, और ये ट्यूब फिट से जहाँ से अटैच है ये प्रोवाइड करती है, एक वाल प्रोवाइड करती है, जो ये वाल है वो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूब फिट टू इंटर रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल और रेडियल कैनाल, ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज ट्यूब फिट, देर आर फोर रोज ऑफ ट्यूब फिट इन ईच एम्बुलेक्युलर सिस्टम, ठीक है। जो हमारा एम्बुलेक्युलर सिस्टम इसके अंदर फोर रो प्रजेंट होती है, ठीक है, ईच एम्बुलेक्युलर ग्रूव के अंदर, ठीक है। जो हमारा एम्बुलेक्युलर ग्रूव है उसके अंदर फोर रो ऑफ ट्यूब फिट आर प्रजेंट, ए ट्यूब फिट इज ए होलो, ठीक है। ट्यूब फिट क्या हमारी होलो है, इलास्टिक है, थिन वाल्ड क्लोज सिलेंड्रिकल और सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रजेंट होती है, इट कंसिस्ट एम्प्यूला पोडियम एंड सकर, ठीक है। जो अपर जो सैक होता है उसको हम कह रहे हैं एम्प्यूला, जो मिडल ट्यूबुलर पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं पोडियम, एंड जो लोअर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको हम क्या कह रहे हैं सकर, ठीक है। तो जो हमारा ट्यूब फिट है वो कैसा, हमारा होलो है, इलास्टिक है, थिन वाल्ड है, सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एंड कंसिस्ट थ्री पार्ट, फर्स्ट एम्प्यूला, सेकेंड पोडियम ट्यूबुलर पोडियम, एंड थर्ड लोअर डिस्क लाइक सकर, ठीक है। अगर फंक्शंस की बात, हमने ट्यूब फिट पहले पढ़ा है, ट्यूब फिट इज ए चीफ लोकोमोटरी एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन द एस्ट्रेसिस, ठीक है। जो एस्ट्रेसिस के अंदर जो लोकोमोशंस हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, ट्यूब फिट के कारण हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा एम्प्यूला होता है, मसल्स फाइबर आर प्रेजेंट इन द वाल्व ऑफ द एम्प्यूला एंड पोडियम, ठीक है। जो हमारा एम्प्यूला होता है और पोडियम होता है, इसकी जो इनर वाल होती है वो कंटेन रखती है मसल फाइबर, और दीज मसल फाइबर हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, दीज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द एस्ट्रेसिस,
ठीक है। तो ये था हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, हमने सभी पार्ट्स पढ़े वन बाय वन, मेड्रोपोराइट, देन स्टोन कैनाल, देन रिंग कैनाल के बाद रेडियल कैनाल, लेटरल कैनाल, देन लास्ट में ट्यूब फिट। ठीक है, एंड व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम, दे आर मोस्ट ऑफ फंक्शन बट मेन विटल रोल प्ले करता है ये लोकोमोशंस के अंदर। ठीक है, जो लोकोमोशंस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा इसी टॉपिक के साथ। ठीक है, तो लोकोमोशंस कैसे होता है, कैसे हेल्प करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम लोकोमोशंस के अंदर। द इनर वॉल ऑफ द वाटर वेस्कुलर सिस्टम कैनाल आर प्रोवाइडेड बाय द सीलिया। ठीक है, जो हमारी वाटर कैनाल वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एम्बुलेकुलर सिस्टम, इट्स कंटेन इनर वॉल्स सीलिया। ठीक है, इनके इनर वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है। दीज सीलिया बीटिंग, द बीटिंग ऑफ द सीलिया काज द सी वाटर एंड एंटर थ्रू द मेड्रोपोराइट। ठीक है, ये हमारी जो सीलिया ये बीट करना स्टार्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, वाटर करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जो हमारा सी वाटर है वो एंटर करता है मेड्रोपोराइट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट जो हमारा जैसे मेड्रोपोराइट है, इसके सरफेस के ऊपर जैसे हमारे पोर्स प्रेजेंट है, और ये क्या कंटेन रख रहे हैं, हमारे सीलिया प्रेजेंट है। ठीक है, इनके इनर वॉल पे, और ये सीलिया जब बीटिंग करते हैं तो वाटर क्या करता है, सी वाटर एंटर करता है मेड्रोपोराइट के अंदर। फाइनली दी सी वाटर रीचेज इन द ट्यूब फिट एंड देयर एम्पुला। ठीक है, ट्यूब फिट के एम्पुला तक रीच करता है। ठीक है, जैसे हमने पूरा बताया था, सबसे पहले वाटर एंटर करता है हमारा मेड्रोपोराइट से, मेड्रोपोराइट से देन स्टोन कैनाल, स्टोन कैनाल के बाद हमारा रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के बाद हमारा रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल के बाद जैसे ट्यूब फिट, ट्यूब फिट के अंदर तीन पार्ट थे। ठीक है, तो हमारा लास्ट में कहाँ पे पहुँचा, ट्यूब फिट के एम्पुला के अंदर वाटर रीच कर गया। ठीक है, दी एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट the valves at the junction of the lateral canal and tube feet prevent the flow of the water into the radial canal. ठीक है, जो हमारा एम्पुला हमने बताया था, एम्पुला और जो पोडियम होता है वो क्या कंटेन रखता है, मसल्स प्रजेंट होते हैं, मसल्स फाइबर प्रजेंट होते हैं, दीज मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, और जो हमारा एम्पुला और लेटरल कनाल को बीच में क्या प्रजेंट होते हैं, पोडियम, हमारे जो वाल प्रजेंट होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ वाटर को। ठीक है, द वाटर इज फोर्स इन टू द पोडियम। ठीक है, वाटर क्या है, फोर्स से पोडियम के अंदर एंटर करेगा। द पोडिया आर इलोंगेटेड एंड प्रोटेक्टेड आउट थ्रू द एम्बुलेक्रल ग्रूव्स। ठीक है, जो हमारा पोडियम था, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा था एम्पुला, देन पोडियम, देन लास्ट में क्या प्रेजेंट था, हमारा सकर प्रेजेंट था। ठीक है, एम्पुला से कहाँ पे जाएगा, पोडियम के अंदर, पोडियम जो हमारा इलोंगेटेड हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा थ्रू दी एम्बुलेक्रल ग्रूव्स के अंदर। ठीक है, देन दी सकर्स आर अप्लाइड इन दी सेपरेटम। ठीक है, जो हमारे जो सकर थे वो सेपरेटम से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, द ट्यूब फिट, देन दी वाटर ऑफ द ट्यूब फिट इज पुश्ड इन टू द एम्पुला, हैंज द ट्यूब फिट शॉर्टनर। ठीक है, अब जो हमारा वाटर है ट्यूब फिट के अंदर वो पुश करेगा एम्पुला को। ठीक है, एम्पुला को पुश करेगा तो जो हमारा जो ट्यूब फिट था वो क्या हो जाएगा, शॉर्टर हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। ठीक है, और छोटा होने के कारण दी सकर्स आर रिलीज, जो हमारे सकर्स जो अटैच हुए थे सबस्ट्रेटम से वो क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। देन एम्पुला कॉन्ट्रैक्ट एंड द होल प्रोसेस इज रिपीट। दोबारा से अब एम्पुला क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोबारा से क्या करेगा, सबस्ट्रेट से अटैच करेगा। तो ये जो प्रोसेस है बार बार रिपीट होता रहेगा, और क्या रहेगा, जो हमारा एस्ट्रेस है वो लोकोमोटिव करता रहेगा। ठीक है, लोकोमोशन से मेल करता है। इसके जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हो, जैसे आप एक बोतल ले सकते हो, बोतल को जैसे आप पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करोगे, एयर प्रेस करने से जो एयर बाहर आएगी, तो उसको आप अपने हाथ पे लगाना। ठीक है, हाथ पे लगाने के बाद उसको आप छोड़ दोगे, रिलैक्स करेगा, तो आपकी जो वाल है, आपकी स्किन है, उस स्किन को अंदर की तरफ खींचेगा। तो हमारे जो टिप के ऊपर उसका जो पोर है, वो पोर को हम क्या मानेंगे, सकर्स मानेंगे, और जो अपर पार्ट जहाँ से प्रेस कर रहे हैं उसको एम्पुला मानेंगे। तो वहाँ से प्रेस करने के कारण वो हमारे सबस्ट्रेट से अटैच हो जाता है। जैसे ही वो दोबारा से रिलीज होगा, तो दोबारा से जो हमारा एम्बुलेक्रल सिस्टम है वो आगे सबस्ट्रेटम से अटैच हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारा एस्ट्रेसिस है वो लोकोमोशंस करता है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज फूड कैप्चर। ठीक है, जो फूड कैप्चर है, फूड जो आता है वो फूड कैप्चर करने में भी हेल्प कौन करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, द ट्यूब फिट आर यूज टू कैप्चर द प्रे। ठीक है, जो प्रे को कैच करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, द सकर्स आर यूज टू ओपन द सेल ऑफ मोलस्कस। ठीक है, जो हमारे मोलस्कस होते हैं, ठीक है, आपने देखा मोलस्कस के ऊपर जो हमारे सेल्स प्रजेंट होती है, तो सेल्स को तो ईट नहीं करते, ओनली विसरल ऑर्गन को ईट करते हैं। तो हमारे जो सकर्स है वो मोलस्कस की जो सेल है उसको रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं।
ठीक है, एंड द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज अटैचमेंट। ठीक है, द स्टारफिश कैन बी अटैच ऑन द रॉक ऑफ रॉक के ऊपर जो अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फिट्स की हेल्प से होती है। ठीक है, तो ट्यूब फिट का जो फंक्शन है वो रेस्पिरेशंस में, डाइजेशंस के अंदर और लोकोमोशंस के अंदर हेल्प करता है। तो ये हमारा वाटर वेस्कुलर सिस्टम था। थैंक यू।